पावर में लिखा हुआ है कि नहीं, लेकिन सबका पावर अलग अलग किस्म का दिख रहा होगा, अलग अलग टाइप का दिख रहा होगा, दिख रहा है। यहाँ देखिए कुछ पावर, इसका देखिए पावर वन ट्रिपल है, इसका पावर देखिए माइनस वन है कि नहीं, इसमें भी देखिए है। और बहुत सारा पद का मतलब क्या हो गया, टर्म, देखिए एक दो तीन चार गो टर्म है इसमें, है कि नहीं। तो ऐसा ऐसा कंडीशन जब रहेगा तो हम लोग समझेंगे कैसे, आखिर किस कंडीशन में रहेगा कि हम उसको बहुपद कहेंगे। ये ना सबसे इम्पोर्टेंट है कि समझना है बात को। अब देखिएगा कि समझेंगे हम लोग कैसे से, थोड़ा देखिएगा। जैसे मान लीजिए अगर ये देखिए मेरे पास ये चार बोतल अगर है, क्या को बोतल है ये चार, सबको दिख रहा चार को यस। अगर ये हम माथा पकड़ ले अगर इसे, अभी बांधल नहीं है, बांधने का मतलब क्या हो जाता है, पॉजिटिव एकदम हो गया। अगर बांधेंगे नहीं और इसको अगर लेकर हम जाएंगे कुछ दूर पर, पता चलेगा कि सब गिर जाएगा। देखिए देखिए मुश्किल हो रहा है कि नहीं, लेकिन यही बात को अगर हम क्या करेंगे, इसको हम राशि से बांध दें, इसको राशि से हम बांध देंगे, इसको राशि से अगर बांध देगा इसे हम, इसको ले जाने में हमको क्या होगा, आसान होगा, नहीं होगा आसान। अभी बना जाएगा तो आराम से देखिए भागेगा नहीं, हाथ में भी हम पकड़ ले रहे हैं ऐसा ही हुआ कि नहीं। यानी इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि ये पॉजिटिव हो गया, क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। एक ही वो है ये बोतल देखिए कलर अलग अलग भले है, लेकिन है तो बोतल ये। लेकिन आप देखिए, आप इसमें देखिए तो कहीं पर ऐसा देख लीजिए कि पावर पॉजिटिव कहां कहां दिख रहा है आप लोगों को, प्लस में पावर, जल्दी से देखिए प्लस में देखिए तो यहां दिख रहा है, इसमें देखिए तो प्लस में पावर दिख रहा है, वेरिएबल एक है कि नहीं। हाँ तो ये समझ है कि ये बहुपद है। आज इस समय हम इसको खाली लेकर चल रहे थे, वो निगेटिव नहीं रहा था, गिर जा रहा था। देखिए यहाँ निगेटिव था कि नहीं पावर में, यहाँ ऊपर में, तो ये बहुपद नहीं रहता, तो पावर में क्या हो गया निगेटिव हो गया। फिर देखिए और कुछ टाइप का देखिएगा। अब मान लीजिए एक रख लिया हम कहा माथा पर, इसको रख लिया हम माथा पर ऐसे, आइए वो हाथ में से ले लिए हैं, परेशानी है कि नहीं, कोई अगर लाठी से मरबो करेगा तो अब इसको रखना पड़ेगा हमको, फिर इसको रखना पड़ेगा, लेकिन बाद में उसको हम कुछ कर देंगे। तो उसी तरह से क्या है कि आप देख रहे होंगे एक आधो कहीं फ्रैक्शन में भी होगा, मैंने डिवाइड में देखिए यहाँ दिख रहा है कि नहीं, एक बटा तीन है ना यहाँ, और कहीं ऐसा दिख रहा है, कहाँ है जल्दी खोजिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए अभी है कि नहीं। तो ऐसा बटा में भी कहीं अगर दिख जाए या रूट में अगर ऐसा दिख जाए तो पॉलीनोमियल नहीं है, यानी बहुपद नहीं है। आगे वापस में तो आपको एक चीज पता चल रहा होगा कि वेरिएबल भी अलग अलग कहीं दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ टॉपिक में लिखा हुआ है वन वेरिएबल, मतलब एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो देखिए तो कहीं दूसरा वेरिएबल दिख रहा है क्या, देखिए इसमें आर एक्स इक्वल टू देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ एक्स क्यूब है प्लस देखिए वाई स्क्वायर आ गया कि नहीं, फिर यहाँ टी आ गया कि नहीं, ये तो कॉन्स्टेंट है, इससे कोई हमको मतलब नहीं है। कॉन्स्टेंट में रूट रहे या ना रहे, पावर में कुछ भी रहे, उससे हमको मतलब नहीं है। वेरिएबल के पावर में क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव पावर होना चाहिए, क्या होना चाहिए पॉजिटिव पावर होना चाहिए। और कैसा पॉजिटिव, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या कहां से आरंभ होता है बताइए, यानी हम लोग को क्या होना चाहिए, तो एकदम इसमें पूर्ण संख्या जहां अगर हम लोग को अगर दिख गया, पूर्ण संख्या अगर दिख गया हम लोग को तो समझ जाइए कि वो बहुपद है, और पूर्ण संख्या अगर पावर में नहीं दिखा तो समझ जाइए कि वो बहुपद नहीं है। और वेरिएबल क्या होना चाहिए, सिर्फ वन वेरिएबल होना चाहिए। जैसे देख लीजिए यहाँ ये पी एक्स के रूप में है तो देखिए एक्स के रूप में है कि नहीं, यहाँ देखिए वाई के रूप में है तो सब जगह देखिए वाई है, पावर में क्या है प्लस है, तो यहाँ देखिए ये यू के रूप में है तो सभी जगह देखिए यू लिखा हुआ है, और सबके पावर में देखिए प्लस में लिखा हुआ है कि नहीं, ये सब बहुपद है। इसमें देखिए तो ये बहुपद है नहीं है, बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ टी है, अलग अलग वेरिएबल है, हमको क्या चाहिए सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए। फिर देख लीजिए यहाँ इसमें
dx इक्वल टू देखिए फंक्शन लिखा हुआ है, इसको बताइए कि ये बहुपद है, ये बहुपद है, क्यों है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पावर में देखिए कितना है, पांच प्लस में है, ये तो नंबर न है, वेरिएबल तो यहाँ है, अब वेरिएबल देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसका पावर कितना है, वन है कि नहीं, अब ये बताए कि वेरिएबल के पावर क्या होना चाहिए, प्लस वन होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है कुल संख्या, कुल संख्या कहाँ तक होता है, जीरो जीरो वन टू थ्री और डॉट ऐसे जाते रहे, इसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या, और यही पूर्ण संख्या हम लोग क्या दिखना चाहिए, वेरिएबल वन होना चाहिए, पावर इसका ऐसा कहीं अगर दिखेगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे, आगे बात समझे, अब देखिए नीचे में यहाँ देखिए ऐसा कहीं अगर इक्वेशन आ रहा है आप लोग को अगर दिख जाए तो क्या कहेंगे उसको, बहुपद नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ ये रूट में भी देखिए है, और रूट का मतलब ये देखिए यहाँ भी है, और ये कौन सा रूट है, क्यूब रूट है, ये यहाँ देखिए रूट था लेकिन ये क्या है, क्यूब रूट है, और इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, है ना, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, इसको बोलते हैं क्यूब रूट, इधर देखिए 1/3 आ गया कि नहीं, तो यहाँ इक्वेशन ऐसा भी दे सकता है या कहीं इक्वेशन ऐसा भी लिख करके दे देगा आपको, तो आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, तो इस तरह से हम लोग बहुपद को पता कर सकते हैं, तो हम लोग क्या समझे बहुपद में, कि किसी वेरिएबल के पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, किसी वेरिएबल के पावर में रूट या क्यूब रूट नहीं होना चाहिए, किसी वेरिएबल के पावर में माइनस नहीं होना चाहिए, या किसी वेरिएबल डिवाइड में नहीं होना चाहिए, देख लीजिए डिवाइड में है ना, अगर ऐसा कभी अगर डिवाइड में अगर कहीं मिल गया तो भी हम लोग इस कंडीशन को बहुपद नहीं कहेंगे, क्यों ऐसा हुआ, तो देखिए यहाँ ये पावर वन था कि नहीं, हाँ, लेकिन इसको ऊपर जब ले गए तो ये निगेटिव में चला गया कि नहीं, जैसे हम लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे एक्सपोनेंट में, कि अगर मान लीजिए ए के पावर यहाँ एन है, इसको लिख देते हैं हम लोग 1/a के पावर माइनस एन लिख देते हैं, या कहीं अगर मिलता है फॉर्मूला हम लोग पास 1/a^n, इसको लिख देते हैं क्या, ये ए के पावर माइनस एन लिखते हैं कि नहीं, इसको लेकर ऊपर तो निगेटिव में आ गया कि नहीं, देखिए निगेटिव में चला गया कि नहीं, ये तो ऐसा कंडीशन अगर मिलेगा तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा, आप पता कर लीजिएगा ना बहुपद को, yes! अच्छे तरीके से, yes! अगले बार हम लोग जब सीखेंगे तो हम लोग बहुपद के बारे में बात करेंगे, बहुपद को और तरीका क्या क्या हो सकता है ना, टाइप में बदलेंगे हम लोग, अब ये तो केवल अभी हम लोग समझ गए कि बहुपद ये है, लेकिन कितने पद रहेंगे उसका नाम क्या होगा, सिंगल पद रहेगा तब क्या बोलेंगे, डबल रहेगा तब क्या बोलेंगे, ट्रिपल रहेगा तब क्या बोलेंगे, उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में बात